हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डॉली सोडिया कुकिंग। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत बढ़िया रोहू फिश मसाला या रोहू फिश करी। अगर आप लोगों के घर में कोई वीआईपी गेस्ट आ जाए तो ये रोहू फिश करी आप लोग बना के खिला सकते हो। बहुत सारा ये इसमें बहुत सारा मेहनत लगता है, लेकिन टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता। थोड़ा मतलब फिश फ्राई करने के लिए थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन प्रॉपर कैसे फ्राई किया जाए, क्या किया जाए और कुछ भी नहीं, बहुत जल्दी बन सकता है। चलो और देरी ना करते हुए बनाना शुरू करते हैं। मैं क्लीन करके फिश को नमक हल्दी मैरिनेट करके उसको 2-3 घंटा रख लिया था, इसलिए उसको वीडियो में नहीं दिखा पाई। अभी मस्टर्ड ऑयल में, हमेशा फिश करी मैं मस्टर्ड ऑयल में बनाती हूँ, हाई फ्लेम में इसको फ्राई करना। और सारा इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, प्लीज़ देख लेना। हाई फ्लेम में 2-3 मिनट लगेगा, फिर उसको आप साइड चेंज कर लेना। बस ये हो गया, और उसके बाद 2 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम लगता ही नहीं। ये क्रिस्पी फिश फ्राई हो गया, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं। उसी तेल में और 1 चम्मच मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया, जीरा 1 चम्मच और उसमें 2 बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को अच्छी तरह थोड़ा भुनना ज़रूरी है, क्योंकि प्याज जितना फ्राई होगा उसका ग्रेवी का टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। उसमें आपके टेस्ट के हिसाब से नमक, मिर्ची और 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाला मैंने। और ये मसाला मैंने अदरक लहसुन का मसाला हमेशा मेरा इसमें चैनल में दिया हुआ है, मैं फ्राई करके रखती हूँ ताकि ग्रेवी का टेस्ट बहुत रॉ स्मेल मसाला का ना रहे, ग्रेवी का टेस्ट बहुत बढ़िया होता है। आप लोग ट्राई करके देख लीजिएगा। और मसाला इसको इसमें मिला के फ्राई कर देना मीडियम फ्लेम में, हाई फ्लेम में बिल्कुल भी नहीं। जो मसाला सब इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। मसाला जब फ्राई हो जाए सिम कर देना गैस को, और दही 1 कटोरी, 1/2 कटोरी दही डाल देना, अगर ज़्यादा ग्रेवी हो तो 1 कटोरी डाल देना। फिर उसको सिम में फ्राई करके पानी आपके हिसाब से आप डालना, अगर आपको ज़्यादा पतला वाला चाहिए ग्रेवी तो आप ज़्यादा डालना, अगर मोटा चाहिए आप ज़्यादा पानी डालना। उसमें थोड़ा करिएंडर डाल देना और उसके बाद जो फ्राई किया हुआ फिश, और इसको 3-4 मिनट तक मीडियम फ्लेम में कवर कर देना ताकि सारा मसाले इसके अंदर, फिश के अंदर चला जाए। बस बन गया आपका फिश करी। और प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।